हेलो फैमिली, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गैस रिपेयरिंग वीडियो जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आपके भी गैस में इसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आपकी गैस बिल्कुल धीमा जलती है, एक गैस चूल्हा हमारा काम नहीं करता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में, एक चूल्हा तो एकदम सही है और एक कुछ इस तरीके से गैस उसमें कम आ पा रही है तो वह अच्छे से जल नहीं पा रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ रही होगी तो आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है। पूरा देख लीजिएगा वीडियो को ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो चुटकियों में सॉल्व हो सके। उसके लिए आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल फ्री में आप अपनी गैस की इस प्रॉब्लम को सही कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले आप इनके जो भी ऊपर पार्ट्स हैं वो हटा दीजिए। उसके बाद आपको गैस को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद जो इसमें नट लगा हुआ होता है ना पीछे की साइड, तो उसको आपको खोल देना है। बहुत आसानी से ये खुल जाता है। अगर टाइटली कसा हुआ है तो आप प्लास या किसी और की सहायता से इसको खोल सकते हैं। तो देखिए इसको हमने खोल लिया है। दूसरे सिरे पर आप इसमें नट बोल्ट कसे हुए देख सकते हैं, इसको आपको सबसे पहले खोलना है। यहीं से जो प्रॉब्लम है हमारी सॉल्व होगी, तो आपको इसको खोल करके अलग कर देना है। तो पूरा नहीं खोलना है, सिर्फ और सिर्फ आगे की साइड जो नट है ना, बस वही हमें खोलना है। अगर आपका आसानी से नहीं खुलता है तो आप प्लास की हेल्प से इसको आसानी से खोल ले। और ये देखिए ये खुल चुका है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल इसमें जो छेद रहता है अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। सबसे पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं। और ये देखिए उसमें कुछ ना कुछ कचरा जमा हो गया है, उस कचरे को हमें निकाल देना है जिससे कि ये छेद एकदम अच्छे से साफ हो जाए। इसमें कोई कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। इसी के कारण हमारी जो गैस है बिल्कुल धीमा जलती है। अगर इसकी समय रहते हुए आप सफाई करते रहेंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप सुई या फिर किसी पिन की सहायता से इसके छेद को आसानी से खोल सकते हैं। तो देखिए अब इसमें छेद आपको दिख भी रहा होगा, उस पार भी आप इस अंदर देख सकते हैं। तो जो सुई इसमें आसानी से आर पार चली जाए तो उसको आप डाल करके इसके जो कचरे को साफ कर लीजिए। उसके बाद आपकी गैस की प्रॉब्लम 101% सही हो जाएगी। इस चीज़ को सही कराने के लिए अगर आप मार्केट जाएंगे और वहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे भी देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एक नट की सफाई के लिए, और आप उसके लिए दे भी देते हैं, और ये कैसा है कि आप अपने पैसे बचाकर अपनी इन चीज़ों को घर पर ही रिपेयर कर लें सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो से। और ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, गैस में इस तरीके की समस्या होती रहती है। और साफ़ करने के बाद हम उस नट को जैसा का तैसा लगा देंगे और अच्छे से प्लास से कस देना, ज़्यादा ना कसे क्योंकि ज़्यादा कसने के कारण ये टूट भी सकता है। इतना ही कसे कि ये घूमे ना। तो देखिए एकदम टाइटली हम नहीं करेंगे, बस इतना ही। ये इसमें अच्छे से फिट हो चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो इसके पार्ट्स लगे हुए थे जैसे कि तैसे हम लगा देंगे और इनके नट को भी हम कस देंगे। तो ये प्रॉब्लम आपकी यहीं पे सही हो जाएगी। और अगर आपके गैस चूल्हे में कहीं जंग वगैरह लगी है उसको भी आप थोड़ा बहुत साफ़ कर दीजिएगा। मेरे में ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने नहीं किया है, और सिर्फ हमने एक नट बोल्ट को साफ़ करके ही अपनी गैस को सही किया है। तो मैं आपको जला करके भी दिखा देती हूँ। मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे हम गैस सही कराते हैं वो भी इसी चीज़ को करते हैं और इसके लिए आपको पैसे भी देने पड़ते हैं। तो एक छोटी चीज़ के लिए आपको फालतू के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो गैस है पहले कितना जल रही थी और अब के में आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। और अगर आपको फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके के आसान वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ।